आज हम बात करेंगे ऐसी इंपॉर्टेंट लाइटिंग ट्रिक के बारे में जो हर सिनेमेटोग्राफर को पता होती है और वो अपनी फिल्म्स और मूवीज में इसका इस्तेमाल करते हैं, जिसका नाम है अपस्टेज लाइटिंग। तो अपस्टेज लाइटिंग होती क्या है? अपस्टेज लाइटिंग तब क्रिएट होती है जब आपकी की लाइट आपके सब्जेक्ट के पीछे होती है और आपका सब्जेक्ट जो होता है वो कैमरे और लाइट के बीच में होता है, और इससे जो इफेक्ट क्रिएट होता है उसमें सब्जेक्ट का जो आधा फेस होता है वो लाइट की तरफ रहता है, यानी कि उस पर लाइट रहती है, और जो आधा फेस रहता है वो डार्क रहता है जिस पर कम लाइट रहती है, और सब्जेक्ट के फेस का जो डार्क पार्ट होता है वो कैमरे के ज़्यादा क्लोज होता है। और अगर इसी लाइट को कैमरे के साइड से सब्जेक्ट की तरफ मोड़ी जाए तो ये क्रिएट करता है डाउन स्टेज लाइटिंग। पर अपस्टेज लाइटिंग इतनी पॉपुलर क्यों है? ये पॉपुलर इसलिए है क्योंकि ये आपके सीन में डेप्थ क्रिएट करता है और आपके सब्जेक्ट पे सॉफ्ट सबटल लाइटिंग करता है, जिससे ये मोस्ट नेचुरल लुक देता है फिल्म में, और ऐड करता है शेडोज़ और हाइलाइट्स को सब्जेक्ट के फेस पर बिना स्ट्रॉन्ग शेडोज़ बनाए। ये है कुछ फिल्म सीन जिनमें अपस्टेज लाइटिंग का यूज़ किया गया है।